अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं अपने डेली अपडेट्स चैनल में। जैसा कि आप सबको मालूम है, फेमस यूट्यूबर जरना फातिमा और लारेब खालिद के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी, क्योंकि उनके बेटे की पैदाइश वक्त से पहले हुई थी। जरनाब और लारेब नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे, जिस पर डॉक्टर्स ने उनको अचानक से ये कहकर एडमिट कर लिया कि अभी ऑपरेशन ना हुआ तो माँ और बच्चे दोनों की सेहत को खतरा है। जरनाब के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, लेकिन क्योंकि डिलीवरी वक्त से पहले हुई थी, डिलीवरी को अभी 3 माह बाकी थे, इनके यहाँ प्री मेच्योर बेटा पैदा हुआ। इस पर जरनाब के शोहर लारेब ने रोते हुए एक वीडियो अपलोड की। मैं उन्होंने बताया कि जरनाब और मेरे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, आप सबसे दुआ की अपील है। 3 दिन के बाद लारेब खालिद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि जरनाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लिहाजा आप सबसे दुआओं की अपील है। फिर कुछ दिन बाद लारेब खालिद ने एक वीडियो अपलोड की, जिसमें बताया कि मेरे बेटे को हार्ट प्रॉब्लम है। बच्चे का जो हार्ट है ना, वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा लो है, इस पर वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। लारेब खालिद ने बताया कि बहुत सारी फेक वीडियोस लोगों ने अपलोड की हुई हैं, जिसमें वो मेरे बेटे का फेस रिवील करके दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको ये बताता चलूं कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, हम कैसे फेस रिवील कर सकते हैं, लिहाजा आप उसकी सेहत के लिए दुआ करें और जब वो बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ जाएगा तब मैं इंशाल्लाह ये तमाम काम करूंगा, अभी सिर्फ आप लोगों से दुआ की अपील है। दुआ है कि अल्लाह ताला लारेब और जरनाब के बेटे को सेहत अता करे और वो जल्द से जल्द अपने घर लौट आए। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।